बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे। जी आज की मेरी ये जो वीडियो है ये मेरे एक चूज़े के बारे में, इसके साथ एक छोटा सा हादसा हुआ ये कि सुबह के टाइम इनको मैं खुला छोड़ देती होती हूँ और शाम को मगरब के करीब ये खुद ही अपने अपने डरबों में चले जाते हैं, तो फिर मैं डरबों के जो दरवाज़े होते हैं वो बंद कर देती हूँ। तो आज भी हसबे मामूल में मगरब के करीब गई हूँ उनके डरबे बंद करने, तो एक डरबे में पूरे चूज़े थे और ये जो छोटे वाले दो थे उनमें से एक था और एक गायब था। तो फिर टॉर्च की लाइट से इसको ढूंढा तो उधर एक जगह पे हमने तंदूर में जलाने के लिए लकड़ियाँ रखी हुई हैं, तो उन लकड़ियों में कहीं ये जाके तो फंस गया और इससे फिर निकला नहीं जा रहा था। और उधर बिल्कुल इसके करीब ही शहद की मक्खियों का छत्ता था, तो वो शहद की मक्खियाँ भी काफ़ी इसको काट गई हैं। तो अभी ये देखा आपने, इसके एक पर के नीचे ज़ख़म है, वो लकड़ी की वजह से हुआ है और बाकी सारा इसकी मैं देख रही हूँ क्योंकि मक्खियाँ जो थीं इसके साथ चिपकी हुई थी। इसकी मक्खियाँ निकालते हुए मेरे हाथों पे भी दो तीन जगह पे काट दिया था मक्खियों ने। तो अभी इसको मैंने फ़र्स्ट एड के तौर पे एंटी एलर्जी सिरप दे दिया है, पिरीटॉन हाफ़ टी स्पून दिया है। और अभी मैं इसकी दोबारा से देख रही हूँ कि कहाँ पे इसके ज़ख़म हैं और कहाँ पे इसके कोई मक्खी वगैरह बैठी है, तो वो भी निकाल दूँ। तो ये बेचारा काफ़ी सुस्त भी हो गया और जैसे डर गया हो इस तरह है। तो जो ज़ख़म है उस पर मैं ये हल्दी और सरसों का तेल जो है ये मिक्स करके लगाने लगी हूँ। तो ये मिक्स करके जहाँ जहाँ पे इसके लकड़ी की वजह से ज़ख़म हुए हैं वहाँ पे ये लगाऊंगी। और ये जो इसकी कलगी है इस पर स्वेलिंग शुरू हो गई है और इस पर मुझे मक्खियों के डंक भी नज़र आ रहे हैं, और जो हो सका तो मैं निकाल भी दूंगी, लेकिन मुझे ये भी है कि इसको ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। और जहाँ पे मुझे फ़ील हुआ है कि ज़ख़म है वहाँ पे ये मैं इसके लगा रही हूँ हल्दी और तेल। ये इसके पर के नीचे ज़ख़म है वहाँ पे मैं हल्दी और तेल ज़रूरी लगाऊंगी। ये यहाँ पे और बाकी भी देखते हैं, क्योंकि जहाँ पे सिर्फ मक्खियों के काटा हुआ होगा वहाँ पे मैं इस हल्दी में नमक भी मिक्स कर लूँगी, क्योंकि नमक जो है इसके साथ जो मक्खी का काटा हुआ हो या भेड़ का काटा हुआ हो उसकी जो जलन होती है उसको फौरन फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। तो इस बेचारे को तो बहुत ज़्यादा मक्खियों ने काटा है। तो अभी इसमें मैं हल्दी में नमक मिक्स करके तो वो इसकी कलगी पे लगाती हूँ, और अगर पर के नीचे कहीं हुआ तो वहाँ पे भी लगाती हूँ। ये देखिए किस तरह से ये निढाल सा बैठा है। तो अभी मैं इसकी जो कलगी है वहाँ पे नमक और हल्दी और सरसों का तेल जो है ये मिक्स करके लगा रही हूँ। तो उसके साथ उम्मीद है कि इसको भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। तो बाकी जो अपडेट होगी वो मैं आपको नेक्स्ट दूंगी। तो आज का मेरा व्लॉग इतना ही, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।